बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम ऐसे माशरे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खुदा की बला, हम लोग ठीक है मुसलमान भी हैं, अक्सरियत हमें मुसलमानों की है, और हम लोग शादियां भी करते हैं, अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को अपने वलीमों में भी बुलाते हैं, बरातों में भी बुलाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मसलन किसी का चेहरा होता है तो तब भी यहाँ हमारे एक रवायात चल रही है, उसमें खाना दिया जाता है, या कोई ज़्यादा अमीर हो तो वो हकीका करता है तो वो उसमें भी बच्चों को दावत दी जाती है। ये वीडियो आप देखकर हैरान होंगे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छी कौम है, हमारे पास बड़े जनाब, हम पढ़े लिखे हैं, रवायात हैं हमारी, इतना है, लेकिन ये देखें कि ये लोग खाना कैसे खा रहे हैं, ये ऐसे झपट रहे हैं जैसे इन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं देखी। इसमें दो तीन चीज़ें जो सामने आई हैं जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ी गलती उस मेज़बान की है जो 200 लोगों की का खाने का बंदोबस्त करता है और 400 लोगों को बुला लेता है, और वो जगह कम होती है, लोग ऊपर झपट पड़ते हैं। या फिर ये है कि हमें सब्र नहीं, भाई आप खाना खाने आए, अगर एक टाइम का अगर मिसाल के तौर पर आपको नहीं भी मिला तो यार ये कोई तरीका, ये देखिए किस तरह खाना नीचे गिरा हुआ है, लोगों ने ट्रेस को के ऊपर झपट रहे हैं और वो गिर रहा है, आपके कपड़े भी खराब हो रहे हैं, आपके सर पे गिर रहा है, ज़मीन पे गिर रहा है, अताम की बेरहमती भी हो रही है, और आपकी तो माशाल्लाह बड़ी इज्जत हो रही होगी जो लोग इस तरह झपट झपट के खाना खा रहे हैं। और मैं दाद देता हूँ उस बंदे को जिसने ये वीडियो बनाई, ये हमें अपने अपने गरीबानों में देखना चाहिए, और ऐसी जगहों पर ना जाएँ जहाँ पर आप समझते हैं कि आपको इज्जत नहीं दी जाती, और ऐसे मेज़बानों को नहीं चाहिए कि इस तरह के मेहमानों को बुलाएं जिनमें कोई एटिकेट्स ही नहीं है, जिनमें कोई कुछ नहीं है, बस वो इस तरह समझते हैं कि जैसे पहले हमने कभी कुछ नहीं खाया, आज ही खा लो जो खाना है, और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास भी जाते हैं अपना पेट चेक कराने, क्योंकि उनको फिर काफ़ी सारे मसाइल उनको जन्म दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए एक मशाल राह होगी जो इस तरह के फंक्शनों में इस तरह की बात करते हैं, अपने आप को सही तरीके से मैनेज करें और लोगों को बताएं कि हम कैसी कौम हैं।